गाइज देखो, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि आज की जो वीडियो है ये दिवाली स्पेशल वीडियो है। ठीक है, जिसमें मैं कुछ थॉट्स एंड कुछ सजेशंस शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, जिनसे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है इस दिवाली पर। सो हाय गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू इस चैनल। मेरा नाम है निशा और आप देख रहे हैं बेस्ट इनकम सीक्रेट्स। सो गाइज देखो, जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि दिवाली का टाइम आ चुका है। ठीक है, इन सभी लोगों के यहाँ यू नो जोरों शोरों से तैयारियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। मैंने भी इवन सारी तैयारियाँ स्टार्ट कर दी हैं। ठीक है, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग हो गया या फिर डेकोरेशन हो गया, घर को डेकोरेट करना एंड यू नो पार्टीज़ की प्लानिंग हो गई एंड गिफ्टिंग हो गया। तो इसी तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने सॉर्ट कर ली हैं ताकि लास्ट टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एंड वैसे भी इस साल 3 साल बाद हम लोग दिल खोल कर सेलिब्रेट करेंगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ठीक है, तो आप लोग कैसे सेलिब्रेट करने वाले हो, आप लोगों की क्या प्लानिंग है, मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड गाइस देखो, हमारे यहाँ दिवाली पे या फिर धनतेरस पे गोल्ड परचेज करना, सोना खरीदना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ गोल्ड यानी कि सोना खरीदने का एक बहुत ही स्मार्ट एंड सेफ तरीका शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को हो सकता है। गाइस देखो, अगर आप गोल्ड को एज अ सेविंग परचेज करते हो, ठीक है, या फिर एज एन इन्वेस्टमेंट अगर आप लेते हो, तो अब जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाले हैं। ठीक है, आप एक बहुत अच्छा डिसीजन ले सकते हो गोल्ड परचेज करते टाइम, अगर आपको इन चीज़ों की जानकारी है। सो गाइस, अब आप घर बैठे डिजिटल गोल्ड परचेज कर सकते हैं। ठीक है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक के डीजी गोल्ड के साथ। ठीक है, अब देखो ये जो डिजिटल गोल्ड है इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, ये फिजिकल गोल्ड से कैसे अलग है। ठीक है, तो पहली चीज कि ये जो डिजिटल गोल्ड है जो आप एयरटेल पेमेंट्स बैंक के डीजी गोल्ड से आप लोग ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, ये आता है 24 कैरेट 99.5% प्योरिटी के साथ, जो कि ब्रिंग्स वॉल्ट में सिक्योर रहता है। जब आप गोल्ड परचेज करते हैं, फिजिकल गोल्ड जब आप परचेज करते हैं, तो आप उसे रखने के लिए, कई लोग तो घर में ही रख देते हैं, ठीक है, बट कई लोग क्या करते हैं, कई लोग बैंक में रखते हैं। ठीक है, किससे, रॉबरी थेफ्ट वगैरह से बचने के लिए, ताकि उनका जो गोल्ड है वो सेफ रहे। ठीक है, तो वहाँ पे उनको चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं जब वो बैंक लॉकर में रखते हैं अपने गोल्ड को। बट यहाँ पे क्या होता है कि जो भी डिजिटल गोल्ड आपने परचेज किया है उसी का जो यू नो उसी की जो फिजिकल फॉर्म होती है वो यहाँ पे सिक्योर रहती है विद ब्रिंग्स वॉल्ट। ठीक है, ब्रिंग्स वॉल्ट में वो चीज़ सिक्योर रहती है, जिसमें आपको कोई भी चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस भी आपको पे नहीं करने। ठीक है, वो उन्हीं के पास, उसी कंपनी के पास वो सिक्योर रहता है आपका जो गोल्ड है। अब देखो, अब आता है हमारा सेकेंड पॉइंट, जो कि ये है कि इस गोल्ड को, डिजिटल गोल्ड को आप कभी भी परचेज कर सकते हैं, मतलब कभी भी आप खरीद सकते हैं एंड कभी भी आप इसे बेच भी सकते हैं मार्केट प्राइस पर। देखो, एक और बेस्ट पार्ट इसका क्या है कि आप डिजिटल गोल्ड को, यू कैन इवन परचेज द डिजिटल गोल्ड फॉर ₹1। ठीक है, ₹1 से भी आप इस गोल्ड को परचेज कर सकते हो। ₹1 मतलब कितने, जितने का भी आपको परचेज करना है आप परचेज कर सकते हो, विच इज नॉट पॉसिबल विद फिजिकल गोल्ड। अगर आप फिजिकल गोल्ड अगर आप लेने चाहते हो तो आप ₹1 का गोल्ड ले सकते हो, ₹1 का गोल्ड आप लोग नहीं ले सकते। बट डिजिटल गोल्ड में आप छोटे अमाउंट से भी अगर आप एज अ सेविंग अगर आप गोल्ड परचेज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। उसके बाद देखो, आता है हमारा थर्ड पॉइंट कि इस गोल्ड को, इस डिजिटल गोल्ड को आप किसी को भी गिफ्ट भी कर सकते हो। इट इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर गिफ्टिंग पीपल। ठीक है, जैसे कि अब दिवाली का टाइम आ रहा है तो दिवाली में आप इस गोल्ड को गिफ्ट भी कर सकते हो लोगों को। अब आता है हमारा फोर्थ पॉइंट कि आप इस डिजिटल गोल्ड को फिजिकल गोल्ड में भी कभी भी कन्वर्ट करवा सकते हो। ठीक है, जैसे कि लेट सपोज मैंने आज इस डिजिटल गोल्ड को परचेज किया, बट 1 month बाद मेरा मन क्या है कि मुझे अब कोई चीज़ बनानी है अपने लिए। ठीक है, आई वॉन्ट टू वेयर इट, तो मैं उसे मतलब ऑर्डर कर सकती हूँ कि मुझे ये जो मेरा डिजिटल गोल्ड है ये मुझे फिजिकल फॉर्म में चाहिए, तो एट योर डोर स्टेप वो गोल्ड आपको फिजिकल फॉर्म में डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं डिजिटल गोल्ड बाय करने के। मतलब मुझे नहीं लगता कि डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने से अच्छा ऑप्शन फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करना हो सकता है किसी भी तरीके से। मतलब अगर आप इसको, स्पेशली अगर आप सेविंग्स पर्सपेक्टिव से या फिर इन्वेस्टमेंट के तरीके से अगर आप इसको देख रहे हो। सो गाइस, मैं चाहूंगी कि आप भी एयरटेल पेमेंट्स बैंक से डीजी गोल्ड में इन्वेस्ट करें एंड इवन इसे गिफ्ट भी करें लोगों को इस दिवाली पर। तो गाइस देखो, ये तो हुई सोना खरीदने की बात, ठीक है, बट बाकी की शॉपिंग का क्या, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बाकी की शॉपिंग भी आप अपनी एयरटेल पेमेंट्स बैंक के थ्रू ही कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आपकी हर ट्रांजेक्शन पे रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है, विद रिवॉर्ड्स 1, 2, 3, मतलब कि आप यहाँ पे स्पेंड करते हुए भी अर्न करते हो। ठीक है, स्पेंडिंग एंड अर्निंग दोनों आपकी साथ साथ में होती है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर दिल खोल कर शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, एंड कोई भी किसी भी तरीके का फ्रॉड भी नहीं हो सकता आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो भी ट्रांजेक्शन होती हैं सारी ट्रांजेक्शन सिक्योर्ड होती हैं विद एयरटेल सेफ पे।
ठीक है, जहाँ पे आपका यू नो बिना आपकी परमिशन के आपका एक भी पैसा डिडक्ट नहीं हो सकता। तो दोस्तों सेलिब्रेट करो दिल खोल कर विद एयरटेल पेमेंट्स बैंक, द सेफेस्ट डिजिटल अकाउंट फॉर ऑल योर डेली ट्रांजेक्शन। तो गैस आज ही डाउनलोड करें एयरटेल थैंक्स ऐप एंड घर बैठे अपना अकाउंट खोलें कुछ ही मिनट्स में, वो भी एक सिंपल वीडियो कॉल पे। सो गैस आई होप ये सारे सजेशंस जो भी मैंने आपको दिए आज की वीडियो में आपको अच्छे लगे होंगे। अगर ऐसा है तो मैं चाहूँगी ज़रूर आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। सो गाइज इतना ही था फिर आज की वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज।